हेलो हाय वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइज आज की वीडियो जो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मैं फुल टाइट फेस कवर करके अपनी होम क्लीनिंग की वीडियो बनाऊं। ये मेरे किसी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझे बोला था और उनकी रिक्वेस्ट बार बार आ रही थी। तो मुझे आज थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी अपने आउटडोर की और थोड़ा सा अंदर की भी करेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया जाए। तो ये जो है काफ़ी मुश्किल होने वाला है आज का व्लॉग, क्योंकि इस तरीके से हम डेली की क्लीनिंग नहीं करते हैं एकदम टाइट फेस कवर करके, क्योंकि घुटन सी होती है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है और गर्मियों का मौसम है तो इस मौसम में स्वेटिंग भी होने लग जाती है। लेकिन फिर भी हमें जो चैलेंज मिला है हमें एक्सेप्ट तो उन्हें करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जो है मैं अपने गेट में जो बंदरवाल लगी थी आम के पत्तों की उसे मैं उतार दी हूँ, क्योंकि वो काफ़ी बासी हो गई थी, बहुत दिन की थी, पत्ते एकदम सूख गए थे। अभी इसमें ताज़ा पत्ते लगवाएंगे क्योंकि अभी होली आने वाली है तो मेन डोर पे पूर्णिमा के दिन हम लोग इसी तरीके से आम के पत्ते की जो बंदरवाल होती है वो लगाते हैं, तो वो लगाएंगे। तो अभी मैं पुराना वाला उतार ले रही हूँ और सूखे कपड़े से जो है अच्छी से डस्टिंग कर दूँगी और उसके बाद गीले कपड़े से करूँगी, क्योंकि रोड साइड का फ्लैट होने की वजह से धूल काफ़ी आती है और जैसा अभी मौसम है इस मौसम में हर दिन धूल आती है, पता नहीं इतनी धूल आती कहाँ से है, लेकिन अब क्या करें आती है तो उन्हें साफ़ तो करना ही पड़ेगा और साफ़ सुथरा घर जो है देखने में भी अच्छा लगता है।
मैंने गाइज अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से जो है अच्छी से साफ़ कर लिया और गेट आज साफ़ हो गया है मेरा। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि कर लूँ, लेकिन एक के बाद एक काम आता जा रहा था तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी मेरे पास फ्री टाइम था तो सोची चलो अब मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो गेट साफ़ करने के बाद मैंने ये टेबल को भी कांच वाली को पोंछ लिया है अच्छी से, और उसके बाद सोफ़ा का कवर हटा करके सोफ़ा का कवर झाड़ दिया, और साथ ही साथ जो है इसकी जो गद्दी है इसे भी मैं झाड़ू से झाड़ दी हूँ। ये प्लास्टिक की झाड़ू है, मैं गद्दा झाड़ने और सोफ़ा झाड़ने के लिए अलग से ला के रखती हूँ। बहुत अच्छी है, एक बार अगर आप ले के आएँगे तो 2 साल एकदम आराम से चलेगी। 2 साल के आप जितने दिन आराम से टिकाओगे उतने दिन चल जाएगी। तो सोफ़ा कवर अच्छी से झाड़ के फिर से मैंने लगा दिया और ऊपर से सारी डस्टिंग कर ली है। अब मैं नीचे सकते हैं गाइज अभी भी कितना धूला निकल के आ रहा है, जबकि मैं एक बार सुबह में झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ। ये दूसरी राउंड चल रहा है आज मेरा। जितनी बार मैं झाड़ू निकालती हूँ सुबह या शाम, जितनी बार भी निकलती है हर बार धूला निकलता है। अभी का मौसम जो है बहुत इरिटेट करने वाला है। आई थिंक सभी को ये परेशानी होती होगी इस मौसम में कि जिधर भी हम हाथ मारें धूल साफ़ करने के लिए तो धूल निकलती ही है। तो देखिए मैंने सारे घर में जो है हॉल वगैरह में झाड़ू लगा ली है, और बस मैं अब यहाँ पर उठा लूँगी और फटाफट से जो है झाड़ू लगा के मैं अपने जो स्कार्फ है इसको हटाऊँगी, क्योंकि एकदम स्वेटिंग हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा। और अब मेरा जो चैलेंज है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।